सफलता वक्त मांगती है दोस्तों, और सफल केवल वही व्यक्ति होता है जो अपने निश्चित समय पर अपने सभी कार्य को पूरा करता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपकी राशि में कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं जिसके बारे में आपका पता होना बेहद ही जरूरी है, और दोस्तों कुछ ऐसी खास बातें हैं जो आपको इससे पहले शायद कभी नहीं पता होंगी। और दोस्तों मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि एक बड़ा ही षड्यंत्र आपके खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा रचा जा रहा है जिसके बारे में समय रहते पता होना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके जीवन काल में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, और दोस्तों इसका किस प्रकार समाधान आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये 2022 अब समाप्त जो हो रहा है वह आपके जीवन में कुछ ऐसे धोखेबाज लोगों का आपको निश्चित तरीके से सामना करवा कर ही जाएगा, जो दोस्तों जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगले 3 दिनों में यानी कि नवंबर माह के जो अगले 3 दिन है इस पे दोस्तों बड़े ही खास परिवर्तन है, और कुछ मंत्र भी आपको बताएंगे जो दोस्तों बड़े ही खास और आपके जीवन में आपको बहुत ही कामगर आने वाले हैं, आपकी समस्याओं से आपको दूर कर देंगे, निजात कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत से प्रतिदिन आपका राशिफल लेकर आते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय शिव शंकर जरूर लिखेगा। दोस्तों, माता रानी अगले 3 दिनों में आपके ऊपर अपनी कृपा बिखेरेंगी, तो दोस्तों बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार लोग आपके ऊपर बैठे हुए हैं और आपको बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी आप स्किप करने की गलती तो ना करें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन काल में इन 3 दिनों में आपको किन चीजों को लेकर सावधान रहना होगा, और दोस्तों आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, खतरों से बचे रहने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। साथ ही दोस्तों वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय बताएंगे जो कि आपके इन 3 दिनों में 4 चांद लगा देंगे। तो दोस्तों आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी को मजाक में छोड़कर इसे छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको बड़ी खुशखबरियां मिल रही हैं और कुछ बड़ी दुर्घटना भी आपके सामने अब आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आप किसी से पैसा मांग रहे हैं तो जल्दी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये वैसा वो नहीं है जो आपको उधार में मिलेगा, जब बल्कि के आपका ये वो पैसा है जो आपको बड़े ही पुराने समय से नहीं मिला था, वे अब आपको मिलने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों विद्यार्थी जातकों की विद्या आज के लिए खुद अपनी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों वे सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपकी किसी पिछले की हुई गलतियों के कारण डांट खानी पड़ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिल सकता है। शेयर बाजार अथवा लॉटरी में धन का निवेश करने वालों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक कार्यों में बेहद ही अच्छे परिणाम को दर्शाने वाला रहेगा। किसी भी मामले में आपको थोड़ा क्रोध रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों सीधेपन से अब आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों, किसी की बातों पर भी भरोसा करने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे और आपको दिए गए सुझावों पर भी अमल करेंगे। आपको विनम्रता और विवेक से काम लेना होगा। यदि किसी बात पर आपको क्रोध आए तो भी आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आपकी वाणी की सौम्यता आज आपको मान सम्मान दिला सकती है, और आपको आज किसी आवश्यक जानकारी के मिलने पर तुरंत उसे किसी से शेयर नहीं करना है। आपको अपने काम की चीजें खरीदने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी ऑफिस के राजनीति से बचकर काम करें। आपको आज जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलने से काफी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। घर परिवार में खुशनुमा वातावरण देखा जाएगा। कोई धार्मिक यात्रा आदि भी देखी जा सकती है। किसी बात को लेकर घर में चर्चा हो सकती है। दोस्तों, व्यवस्थित दिनचर्या रखना आपके लिए समय और धन की बचत करवाएगा।
क्योंकि व्यर्थ के खर्चों की स्थिति बन रही है। किसी मित्र की मदद से पिछले कुछ समय से चल रही चिंता और परेशानी से राहत मिलेगी। युवाओं को अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। संबंधों को मधुर बनाए रखने में अपना योगदान भी अवश्य दें। साथ ही बच्चों की गतिविधियों में लापरवाही ना करें। और दोस्तों, व्यवसाय में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी दोस्तों आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बड़ी ही खास और बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ, जो दोस्तों इन 3 दिनों में बेहद ही खास रहने वाली हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप देखते हैं आपके साथ कोई भी रहने वाला नहीं है, और दोस्तों सब दुम दबाकर आपके पास से भाग जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये बात सच्ची लग रही हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप कभी अपने जीवन काल में ऐसे हुए हैं जब आपको अपनी गलती के सर ले लिया है और आपने दूसरों की मुसीबत को बांटा है, परंतु दोस्तों जब आप पर संकट आया तब दोस्तों सब भाग गए और दोस्तों आपको अपनी मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ा। इसलिए दोस्तों, आप इन सभी बातों को गार्ड बांध कर रख लीजिए कि दोस्तों बिना किसी को सोचे, बिना किसी को समझे इनके ऊपर भरोसा और उनकी मदद ना करें। आज से ही आप ऐसे लोगों की मदद करना बंद कर दें और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और दोस्तों, जो आपको धोखा देने वाले हैं उनको तुरंत ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे धोखेबाजों से कोई भी मतलब नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको एक ये भी चीज़ बता दूँ, कुछ ऐसे लोगों से खास दूर रहिए जो केवल मतलब के लिए ही आपको याद रखते हैं और केवल मतलब के समय और अपना काम निकलवाने के लिए ही उन्हें आपकी याद आती है। धोखेबाज लोगों की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, हम यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी थी। इसके साथ ही दोस्तों, हम बिल्कुल अकेले क्यों पड़ चुके हैं। दोस्तों, उन लोगों को याद कर करके आप न जाने कितने आंसू बहा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी याद में आपकी परछाई भी पीछा नहीं छोड़ती है। आप लाख भुलाने की कोशिश भी करते हैं फिर भी भुला नहीं पाते हैं। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोस्तों वो एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन दोस्तों उसकी यादों में आप तड़पते रहते हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, ये वो अवसर है जहाँ हमने अब कुछ बनकर दिखाना है। और दोस्तों, जीवन भर अपनी गलतियों पर वो इंसान पछतावा करे, कुछ ऐसा आपको बड़ा काम करना होगा। जिस कमी के लिए आपको ठुकराया जा रहा है दोस्तों, उसे बेहतर है कि आपको उससे अच्छा बनना है। दोस्तों, सिर्फ उसके लिए नहीं, आपको खुद के सम्मान और मान सम्मान के लिए भी, प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ना होगा। आपका आत्मजीवन में कुछ कर जाना ही जीवन है। दोस्तों, इसके लिए ये सबसे बड़ी सजा होगी कि जब आपको वो बढ़ता हुआ देखेगा तो उसके कांटों तले खून नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, अपनी गलतियों पे पछताना सही है, लेकिन बार बार केवल आपकी ही गलती यदि लोग निकाले तो उनसे अभी आप दूर चले जाइए। दोस्तों, इसी में आपकी जीत है और यही सच्चे है। दोस्तों, किसी धोखेबाज साथी को ना अपशब्द आप बोलते हैं और ना ही कभी ऐसी कोई चीज़ आपने करी है जो आपके पार्टनर को अच्छी ना लगे, लेकिन दोस्तों फिर भी लोग आपको ठुकरा जाते हैं। ऐसा आप ही के साथ क्यों होता है? इस बात का गहन अध्ययन करके हमने केवल ये जाना है कि आपकी राशि के जातक बड़े ही भोले भाले और बड़े ही प्यारे होते हैं। वे हंसकर किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उससे हाथ मिला लेते हैं, लेकिन दोस्तों वह व्यक्ति सांप की तरह आपके पीछे धंसता है और आपके जीवन में एक सांप की तरह आपके जीवन में जहर फैलाता रहता है। दोस्तों, आपके लिए वे व्यक्ति कुछ नहीं बदलता है, ना वे अपनी आदत बदलता है, ना अपना स्वभाव और ना अपना कंफर्ट जोन। दोस्तों, एक और बात बता दूं कि जो ये लोग होते हैं धोखेबाज, वे आपसे कभी भी साथ में नहीं रहना चाहते हैं, चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए, लेकिन वो केवल केवल अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके जीवन में बड़े ही खास होते हैं। वे दोस्तों और कोई नहीं है, आपके सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र की पहचान दोस्तों हमेशा तकलीफों में ही होती है, क्योंकि खुशियों में तो हजारों लोग आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं,
लेकिन दोस्तों दोस्त वही है जो तकलीफों में भी आपका साथ ना छोड़े। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से अपने मित्र के लिए लिख दीजिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। यदि दोस्तों आपके भी पास में एक धोखेबाज इंसान है और एक सच्चा मित्र है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।